Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। टेलीकॉम दिग्गज एयरटेल की एक कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए कमर कस ली है। कंपनी ने इसके लिए सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल भी कर दिया है। बता दें, 12 साल बाद भारती ग्रुप की कोई कंपनी अपना आईपीओ लाने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी है ये कंपनी, तो आगे वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी देंगे। दरअसल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भारती एयरटेल ने अपनी सब्सिडरी भारती हेक्साकॉम को लिस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारती एयरटेल के बोर्ड ने भारती हेक्साकॉम के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। भारती हेक्साकॉम ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिया है। बता दें, देश की 3 दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों में से एक भारती एयरटेल की भारती हेक्साकॉम में 70% हिस्सेदारी है। बाकी 30% हिस्सेदारी भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी टेलीकॉम कंसल्टेंट्स के पास है। आइए अब आईपीओ से जुड़ी बाकी डिटेल्स भी जान लेते हैं। भारती हेक्साकॉम के आईपीओ के तहत ₹5 की फेस वैल्यू के 10 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस के तहत की जाएगी। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार यह कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का 20% है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ऑफर में फ्रेश इक्विटी शेयर जारी नहीं होंगे। ये आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस है, इसलिए भारतीय हेक्साकॉम को आईपीओ से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। आईपीओ के तहत भारत सरकार भारतीय हेक्साकॉम में ओएफएस के जरिए 20% हिस्सेदारी बेचेगी। ओएफएस के तहत बेचे जाने वाले 10 करोड़ शेयर वर्तमान में पब्लिक सेक्टर कंपनी टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के पास है। बता दें, भारतीय ग्रुप की लास्ट आईपीओ भारती इंफ्राटेल की थी, जिसे अब इंडस स्टार्स के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी साल 2012 में लिस्ट हुई थी। ऐसे में ये आईपीओ करीब 12 साल बाद आने वाला है। आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजरों में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड और आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड शामिल है। बता दें, भारतीय हेक्साकॉम कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो देश के कई हिस्सों में अपनी सर्विस देती है। ये कंपनी राजस्थान, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में ग्राहकों को फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड और उपभोक्ता मोबाइल सेवाएं प्रोवाइड कराती है। कंपनी एयरटेल नाम के तहत सेवाएं देती है। रेवेन्यू की बात करें तो भारतीय हेक्साकॉम ने सितंबर में समाप्त 6 महीनों के दौरान 3,420 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया। एक साल पहले इसी अवधि में राजस्व 3,167 करोड़ रुपए था। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल 195 करोड़ रुपए से घटकर 69 करोड़ हो गया है। इस बीच शनिवार के कारोबारी सत्र में भारती एयरटेल के शेयर में 3.68% की तेजी आई और ये स्टॉक 1,127 रुपए के भाव पर बंद हुआ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र ₹159 महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।